हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें सॉलिड स्टेट। इसमें हमने तीन लेक्चर डिस्कस कर लिए, आज चौथा और लास्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। तो जितना लेक्चर में आपने पढ़ाया मैंने आपको, उतना आपको याद रखना है। सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फाइव कैटेगरी। पांच कैटेगरी में सॉलिड्स को डिवाइड किया गया है मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से। क्या क्या है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। सब बेटा आपको सब में क्या क्या बेसिक उसके करेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखना है पांचों के। कौन कौन सा? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये पांच कैटेगरी है, मतलब पांच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हिसाब से क्लासिफाई किया गया सॉलिड को। फिर पहला क्या है आपको वेल नोन, आप इससे परिचित है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या होता है? कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। इसके लिए जो म्यू निकालते हैं, म्यू मैग्नेटिक मोमेंटम, वो क्या होता है? होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू, रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम। यहाँ पे एन क्या है? एन आपका होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये क्या होता है? वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड द्वारा ये अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी आपको। मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। सारे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और जो भी आपके पैरामैग्नेटिक, मतलब वो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, इनकी प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस याद रखनी है। क्योंकि प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पैरामैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक या फेरीमैग्नेटिक। तो आपको यदि प्रॉपर्टीज याद होंगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और क्या हो रहा है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये अपना मैग्नेटिक वेक्टर क्या होता है? लॉस कर देते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होंगे जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वो क्या होता है? वो वीकली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होती उसी डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते हैं। दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये अपना मैग्नेटिक एब्सेंट, मतलब कि लॉस कर देते हैं। और इनमें ये क्यों होता है? क्योंकि पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होता है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक वेक्टर शो करते हैं। आगे बात करते हैं, एग्जांपल देखिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कॉपर प्लस टू, Fe प्लस थ्री, Cr प्लस थ्री एटसेट्रा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगला देखिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी सीधी बात है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। तो सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड होता है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। और क्या बात है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंटम एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्योंकि पेयरिंग होती है तो क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंटम एंड दे लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो पेयरिंग वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंटम कैंसिल हो जाता है और ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। जैसे एग्जांपल देखिए, वाटर, NaCl, बेंजीन एटसेट्रा, जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो होंगे आपके डायमैग्नेटिक। बहुत पहचानना आसान है, आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कम से कम एक या एक से ज्यादा वो होगा आपका पैरामैग्नेटिक, और जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा सारे पेयर्ड होंगे वो होगा आपका डायमैग्नेटिक। अगला देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल दे रखा होता है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम ऑक्साइड एटसेट्रा, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल है। क्या है? वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्या है प्रॉपर्टी? दीज सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, इन्हें जो परमानेंट मैग्नेट होता है इन सब्सटेंस में आता है। तो दीज सब्सटेंस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज, यानी मैग्नेटिक फील्ड आप हटा देंगे तब भी ये मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। These substances can be permanently magnetized. Metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small region called domain. तो metal ion है बेटा, वो क्या होते हैं? वो small group में हो जाते हैं। देखो metal
metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into small region called domain. Each domain can act as teeny magnet. जो domain होता है अपना वो each domain can act as teeny magnet. magnet की तरह छोटे magnet की तरह behave करता है each domain. और when substance is placed in magnetic field, all domains get together in direction of magnetic field. तो जब इसको substance को magnetic field रखते हैं तो सारे के सारे domain क्या होते हैं? magnetic field की direction में arrange होते हैं and strong magnetic field produced. और जिससे क्या होता है? सब के सब एक direction होंगे, magnetic field direction होंगे, तो strong magnetic field generate करते हैं, strong magnetic field generate करते हैं. अगला very important point क्या होता है? When magnetic field is removed, ferromagnetic substance become permanent magnet. Very very important point कि जब magnetic field को remove कर देते हैं तो ferromagnetic substance जो होते हैं वो क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं. तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं. कौन से एग्जांपल है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम ऑक्साइड एटसेट्रा. अगला क्या है? एंटी फेरोमैग्नेटिक. ये क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ये है वो अट्रैक्ट बाय फील्ड. ठीक, ये क्या है? सब्सटेंस रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. ठीक, डोमेन्स आर अलाइन इन सच ए वे दैट नेट मैग्नेटिक नेट देन That net magnetic moment will be zero. Domain क्या होते हैं बेटा? इस तरह अरेंज होते हैं कि कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिससे net magnetic moment क्या होता है? जीरो होता है. एग्जाम्पल इसका MnO है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना आपको. एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल मैग्नीज ऑक्साइड है. होता क्या, अपने डोमेन के इक्वल अपोजिट होंगे, जितने लाइन के अलॉन्ग होंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होंगे उतने ही आपके मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होंगे. तो होगा क्या, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपका ये क्या होगा? ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो. कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी पॉइंट है. कॉपी कर लिए, फिर आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक बताते हैं. कॉपी कर लिए, इसे कॉपी कर लिए. क्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी, इसी हमने आपको बताया है. थ्योरेटिकल चीज है लेकिन क्वेश्चन कभी इस पे आया था, आसान है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा. कॉपी कर लो ना, ये चीजें आपको याद रखनी है कि फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है. ये चीजें आपको याद रहेगी, क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं. छोटे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन में करने में आसानी होगी. यदि ये चीज याद रहेगी, नहीं याद रहेगी तो कन्फ्यूजन होगा. तो आपको दो आंसर सही लगेगा और वो आपके लिए नुकसानदेह है. यदि आपको किसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही लगने लगे तो मतलब क्वेश्चन सही होने की संभावना क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पांचवा आपका है. फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? एग्जाम्पल इसका देखिए, ये आपका Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट और MgFe2O4 ZnFe2O4 etc. क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन इन द सब्सटेंस आर अलाइन्ड इन पैरेलल and anti-parallel direction in unequal manner, unequal number. यहाँ क्या था बेटा? parallel और anti-parallel क्या थे? equal थे, इसीलिए equal थे. जब parallel और anti-parallel domain equal थे तो cancel out हो जाते. यहाँ पे क्या है? unequal है. इक्वल होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होगी, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा. क्योंकि अनइक्वल है. क्या होगा? अनइक्वल नंबर. ठीक है, अनइक्वल नंबर में है तो जीरो नहीं होगा. तो इसलिए देखिए इसमें क्या होगा, दे आर
they are weakly attracted, they are weakly attracted by magnetic field, they are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic substance, as compared to ferromagnetic substance, ये magnetic field के द्वारा weakly attract होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ferromagnetic क्या था, सारे के सारे domain जो है magnetic field की direction में थे, यहाँ पर क्या है कि magnetic field के parallel भी है और anti-parallel भी है, लेकिन unequal number में, लेकिन क्या बोला, unequal number में है, इस वाले में क्या है, magnetic field की direction में और opposite direction में क्या है, equal number में है, यहाँ पे क्या है, सारे सारे magnetic field की direction में है, यहाँ पे magnetic field की direction में और उस पर के magnetic field के parallel और anti-parallel equal number में है, यहाँ पे क्या है, अनइक्वल नंबर में है, तो क्या हो रहा है, कैंसिल आउट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपका बचेगा, इसकी वजह से क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, वीकली अट्रैक्शन होगा। अगला ध्यान रखिए, डोमेन्स आर अलाइंड इन सच अ वे, डोमेन्स आर अलाइंड सच अ वे दैट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इन नॉन जीरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह अलाइन होते हैं कि उनका मैग्नेटिक मोमेंटम नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, यहां पे क्या होता है बेटा, जीरो होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में जीरो होता है और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, कम होता है, लेकिन नॉन जीरो होता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, दीज सब्सटेंस लॉस फेरोमैग्नेटिज, लॉस फेरोमैग्नेटिज ऑन हीटिंग, हीट करने पर ये फेरोमैग्नेटिक एटम क्या होता है, इनका लॉस हो जाता है एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हीट करते हैं तो लॉस जाता है और वह पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपी कर लीजिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको इतनी चीजें बेटा याद रहनी चाहिए, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में नोट किया है, इतनी चीजें आप याद रखते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से कर सकते हैं, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फॉर्मूला को बताया जाता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू बोर इलेक्ट्रॉन, आप वहाँ से निकालेंगे, डायमैग्नेटिक क्या होता है, इसमें कोई एन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ये पाँचों आपको सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है आप आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा ये सॉलिड शीट का लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और रिवीजन भी करते रहें साथ साथ, आप समझिए बेटा अच्छे से कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उस तो आपका एग्जाम कैंसिल हो, आपको मन में बात आ रही होगी एग्जाम कैंसिल हो सकता है, बट एग्जाम कैंसिल होगा लेकिन एग्जाम तो होगा ही ना, यदि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और पढ़ाई लिखाई करना कम कर देंगे तो जो चीज़ आपने पढ़ रखी है वो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, धीरे धीरे आप उसे भूलते जाएंगे, इसलिए अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें ताकि एग्जाम कभी भी हो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यदि आप स्टडी ब्रेक करते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं सोचते हैं एग्जाम की डेट आएगी, तब एग्जाम की डेट आराम से आएगी और आपने नई पढ़ाई छोड़ दी चीज़ें देते क्या हो जाएंगे, आप सारी भूल जाएंगे, सब आपके लिए क्या हो जाएगा, फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और वो आपके लिए बहुत टफ होगा। ओके बेटा, इसलिए स्टडी कंटिन्यू रखें, पढ़ाई एकदम कंटिन्यू रखें, ठीक है बेटा, थैंक यू।